उधर अयोध्या में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश स्तर पर आपको बता दें कि सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। चंडीगढ़ में सुंदरकांड के पाठ के भव्य आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान राम और हनुमान की भक्ति में लीन नजर आए। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सुंदरकांड का ये पार्ट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर इसका आयोजन जो है वो करवाया गया। तो सुंदरकांड का ये पाठ यहाँ पर करवाया गया, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता यहाँ पर मौजूद रहे, आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का पाठ करवाया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा भी इस सुंदरकांड के पाठ में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि राम जन्मभूमि में जिस तरीके से अयोध्या में विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन जो है वो यहां पर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ में हवन यज्ञ किया गया, सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। तो चंडीगढ़ में आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सुंदरकांड का ये पाठ जो है हवन यज्ञ विधि विधान के साथ यहां पर किया गया, तमाम आपके नेता कार्यकर्ता इस सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। देखिए, जैसा आप सभी को मालूम है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, उससे पूर्व संध्या पर, कल चूंकि प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होनी है, आज पूर्व संध्या पर हरियाणा के सभी 22 जिला मुख्यालयों पर और चंडीगढ़ में जो हमारा मुख्य ऑफिस है यहां पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है, ताकि सभी लोग मिल करके भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी के उस सुंदर कांड में जितना सुंदर वर्णन किया गया है कि किस तरह से माता सीता से हनुमान जी पूरा समुद्र लांग करके किस तरीके से जाते हैं, इस तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए, उससे प्रेरणा ले सकें सभी लोग, भगवान को याद कर सकें, एक अच्छा आयोजन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है सभी जिला मुख्यालयों पर और सारे शहरवासियों को सभी जगहों पर आमंत्रित किया गया है कि वो भी इस उपलक्ष्य पर हमारे साथ शामिल हों, इस सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लें और इस सुंदरकांड पाठ के तुरंत बाद हवन किया जाएगा यहाँ पर और सभी खुशी खुशी भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी के इस सुंदरकांड पाठ के वर्णन को सुनेंगे।